So, in the last one. What's your problem, Anjali? I don't see the president. So, this is? Anjali, this is apparently the seventh time that you are saying, or say, tenth time you are saying present. अंजलि इस तरह से प्रेजेंट बोल के मतलब क्या होगा? स्पीक अप अंजलि, आप मल्टीपल टाइम्स क्यों प्रेजेंट बोल रहे हो? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नाम ने नोट कर लिया है. You should say it twice or thrice. अंदाज़ से और वो भी टाइम पे. उसके बाद भी अगर कंफर्मेशन चाहिए आपको तो आप अपने टीचर के व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए. अंजलि, अगर उसके बाद भी कंफर्मेशन चाहिए तो आप अपने टीचर के व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए. That's it. Don't shout your attendance in between the class. सिचुएशन इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर. एक बहुत अच्छा सा हम लोगों ने यह समझने की कोशिश की थी कि एक डैम है, डैम का काम क्या होता है, बांध, हाउ इट रेगुलेट्स द रिवर फ्लो एंड इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. बट अगर उसका कुछ फायदा है तो बहुत बड़ा नुकसान भी है. द रेसिडेंट्स ऑफ प्रयागराज विटनेस्ड इट. अभी जैसे स्टूडेंट ने बताया, शिवम पांडे ने, उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई. हिज एरिया गॉट फ्लडेड. अब पानी में करंट फैल सकता है. एंड हेंस द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टुक अ प्रिकॉशन एंड डिस्कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक सप्लाई ओवर देयर. तो ये घटना जो भी है, दिस इवेंट, दिस इज टोटली रिलेटेड टू द चैप्टर. कुछ समझने की कोशिश किया था हम लोगों ने, what exactly went wrong that Prayagraj got flooded. हम लोगों ने वो समझा था. अब आज वो तो इस चैप्टर का आप समझ लीजिए, that was a brief introduction. Today we will deeper into the chapter. समझेंगे कुछ जो टर्म्स है, वेदर, क्लाइमेट और अडेप्टेशन, इस पे बात करेंगे. क्वेश्चन आज के कम लेटर रिचर टू यू हैव. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. एक ये एक्टिविटी सबसे पहले मुझे दिख रहा है, एक्टिविटी 7.1. द स्क्रीन इज शेयर, यू मस्ट बी एबल टू सी इट. कम आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर. इफ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक. तो पिछले पूरे हफ्ते के मौसम का हाल, इसको लेके एक ये एक्टिविटी एनसीईआरटी हैज सजेस्टेड एंड यू ऑल शुड डू इट. कंसिडर दिस एज योर होमवर्क. ठीक है, तो करना क्या है कि पिछले 7 दिन की जो वेदर रिपोर्ट है उसका एक कलेक्शन आपको रखना है. और कौन सी वेदर रिपोर्ट तो बहुत बड़ी सी होती है. नेक्स्ट पेज के लिए फॉर्मेट दिया हुआ है, टेबल 7.1. ठीक है, बारिश का भी सीजन है और हमें डिटेल्स भी मिल जाएंगे. बुक में डेट 23rd August भी है, बट आप इसका पूरे प्रीवियस वीक का वेदर रिपोर्ट देखेंगे. नाउ इन्होंने ये एक्टिविटी में सजेशन दिया कि अगर आपके यहाँ न्यूज पेपर नहीं था तो यू टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड. लाइक आपको ऐसा नहीं करना है, द बेस्ट थिंग इज यू हैव योर सेल फोन और उसपे एक्टिव वेदर या फिर गूगल के ऐप से आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाएगी पिछले 7 दिनों. सो ड्रॉ दिस टेबल 7.1 इन योर साइंस नोटबुक and record the following data, which involves maximum temperature, minimum humidity, maximum humidity and rainfall.
ये चार्ट सब लोग बनाएंगे अपनी कॉपी में और ये सारा डेटा वो न्यूज़पेपर से रिकॉर्ड करेंगे एंड इन केस द न्यूज़पेपर इज नॉट अवेलेबल टू यू ऑल तो आप इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। द डेटा शुड बी एक्यूरेट और नीचे आप एक लाइन ये भी लिखेंगे कि आपने कौन से न्यूज़पेपर का डेटा कलेक्ट करा या फिर कौन सी ऐप का करा। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो वेदर, व्हाट इज वेदर? वेदर का भी अगर हम हिंदी वर्ड देखें तो कुछ मौसम के ही जैसे रहेगा और क्लाइमेट की भी बात करेंगे तो वहां का मौसम ऐसा है। जैसे अगर हम बात करें मुंबई, सो मुंबई इज अ कोस्टल एरिया, वहां का मौसम नम है। द वेदर ओवर देयर इज ह्यूमिड या द क्लाइमेट ओवर देयर इज ह्यूमिड, हम ये कहते हैं नमी है बिकॉज ऑफ वेदर, वहां बारिश ज्यादा होती है। दैट एरिया इज प्रोन टू फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स। मुंबई में ऑलमोस्ट कुछ एरिया में रोज ही उसका एक अलग वेदर फोन होता है। आप इस पे देखेंगे वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे की ये सारी डिटेल्स न्यूज़पेपर के वेदर रिपोर्ट में रहती है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स, भविष्यवाणी करता, इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर, हवा में कितनी नमी है ये दिखाती है ह्यूमिडिटी। नाउ दे आर गिवन अ सैंपल वेदर रिपोर्ट, न्यूज पेपर में कैसे निकलती है वेदर रिपोर्ट, ये इन्होंने बुक में आपके दे रखा है। इफ यू ऑल कैन सी, मैक्सिमम टेम्परेचर इज 16.1 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर इज 2.6 डिग्री सेल्सियस, सनसेट वुड बी एट 5:41, सनराइज सनसेट ऑन ट्यूजडे वुड बी एट 5:41 एंड सनराइज ऑन वेडनेसडे वुड बी एट 7:15। नाउ दे हैव ऑल्सो गिवन द टाइम फॉर मून सेट एंड मून राइज। अब लोग सोचेंगे कि चलो सनसेट और सनराइज का तो पता लग रहा है, ये मून सेट मून राइज का क्यों दे रखा। नाउ इसका रिलेशन कोस्टल एरियाज में थोड़ा सा रहता है बिकॉज इट अप्रोक्सीमेटली गिव्स द आइडिया ऑफ टाइड्स एंड द एक्टिविटी इन द ओशन और सी टू दोज हु गो ऑन फिशिंग इन द सीज, कमर्शियल फिशिंग जो आपको होती है तो उनके लिए ये थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, अब मिस्ट फॉग इन द मॉर्निंग, सम मंथ्स माइक इज अनम्यूट, प्लीज चेक इट, प्लीज म्यूट इट। मिस्ट फॉग इन द मॉर्निंग, मिस्ट क्या है, जिसे धुंध कहते हैं एंड फॉग इज कोहरा। ठीक है, मिस्ट ओब्लिक फॉग मतलब या तो थोड़ा धुंधला रहेगा विजन या फिर कोहरा रहेगा। ठीक है, कुछ बीच की भी स्थिति हो सकती है। द वेदर डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड दिस, पार्टली क्लाउडी स्काई, पार्टली मतलब इसका सीधा सा ये है कि बादल आते जाते रहे, समटाइम्स द सन वुड बी विजिबल बट समटाइम्स इट माइट गेट कवर्ड विद द क्लाउड्स, मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 16 तक जाएगा बट ऑन एन एवरेज द टेम्परेचर वुड बी अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन मंडे 83% एंड मिनिमम इज 37%। मतलब दिन का वो समय जब मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो वो मैक्सिमम 83% तक जा सकता है और मिनिमम 37% तक नीचे जाए, इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी। और ह्यूमिडिटी अभी हमने जस्ट पढ़ा, वी जस्ट रेड दैट इट्स द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो ये एक छोटी सी वेदर रिपोर्ट है जिसे देखना हमने समझा कि ये क्या होगा। नाउ एक्टिविटी भी सजेस्ट करी और इसमें आगे थोड़ा और चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट द चैप्टर हैज बीन स्टोर फॉर अस। इस वेदर रिपोर्ट के नीचे और इन्फॉर्मेशन लिखी है, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ इफ यू स्टडी दिस वर्ड केयरफुली तो वो METEORO है, तो सम इट्स प्रोनाउंसिएशन सीम्स टू बी लाइक मीटियोरोलॉजिकल। नाउ व्हाट इज अ मीटियोर, उल्का पे जो बाहर से आता है, वी ऑब्वियसली सी दैट इन मूवीज की उससे एलियंस आ गए। अगर वेनम मूवी देखी होगी किसी ने, उस
स्पाइडर मैन का विलेन है, तो वो आता स्पेस शिप से है, बट एक्चुअली ही कम्स फ्रॉम जो कॉमिक बुक का है उसमें वो आता है एक एस्टेरॉइड से या कोई का पिंड से या मीटियोर से, यू कैन से तो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज इन द स्काई. तो प्रोनाउंसिएशन हम ओवर द इयर्स इसका मेट्रोलॉजिकल है, बट यू शुड रिमेम्बर दैट मीटियोरोलॉजिकल प्रोनाउंस आप चाहे जो करिए, बट मीटियोरोलॉजिकल में ये बोलना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अदरवाइज यू विल बी मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक. मेट्रोलॉजिकल लिखने में आप सिंपली METRO लिख देंगे, विच इज अ रॉन्ग स्पेलिंग. सो रिमेम्बर इट एज मीटियोरोलॉजिकल. और प्रोनाउंसिएशन आपका खराब होने ही है, सिंस वी आर इंडियंस वी एड अ लिटिल बिट ऑफ आवर ओन एक्सेंट, तो वो मीटियोरोलॉजिकल नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे उसको मेट्रोलॉजिकल. तो ठीक है, ये विभाग है, मौसम विभाग है. And this department is responsible for preparing the weather report. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. ठीक है, अब ये इन सारे data से करते हैं, but now they have more advanced instruments and satellites floating up in the upper atmosphere, so ज्यादा accurate और ज्यादा apt predictions हो जाते. Now let us see what's there. Now, अब रेनफॉल के लिए आप देख रहे होंगे इस टेबल में नीचे लिखा है mm मिलीमीटर. तो इसके बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा बताया. रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज. ये क्वेश्चन बन सकता है यूनिट टेस्ट में, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल. तो इसका आंसर होगा रेन गेज. है क्या? इट इज बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वॉटर. ये एक मेजरिंग सिलेंडर है. अब मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है? सिंपली एक जैसे आपका पानी पीने का ग्लास होता है कुछ उसी तरह से वो भी होता है, बट उसका जो ब्रेथ है वो थोड़ा कम होता है और हाइट थोड़ा ज्यादा होता है, और उसके आउटसाइड पे लाइंस बनी रहती है चीजों को मेजर करने के. चीजों को क्या? जो उसमें फ्लूइड रहेगा उसमें उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के, इसीलिए नाम दिया गया उसका मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है, और इसके ऊपर फनल, फनल मतलब जैसे आप देखते हैं कुप्पी जिसे कहते हैं, ऑफन विच इज देयर इन आवर होम टू पोर डाउन वाटर इन द इन्वर्टर बैटरी, या फिर जब हम जिसको कहते हैं तेल को एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफर करते हैं, तो वो एक कुप्पी का यूज होता है और वी कॉल इट द फनल. ठीक है, तो वो फनल लगा रहता है उस मेजरिंग सिलेंडर के, और उसमें कितने एमएम पानी होता है वो बताता है कि रेनफॉल, और इसी इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? कॉल इट द रेन गेज. अब डू ऑल द सेवन गेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स. ये आपको एक्टिविटी से फाइंड आउट करना है. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउएवर मतलब कुछ दिन तो सेम हो सकता है या आसपास हो सकता है, पॉइंट में डिग्रीज में वेरिएशन आएगा, बट मोर लेस द टेम्परेचर वुड बी सेम. हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी टू डेज. सारे पैरामीटर्स किन्हीं दो दिन पे एकदम एक जैसे नहीं हो सकते. ओवर वीक देर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन. एक हफ्ते में मौसम में आपको नोटिस करने लायक वेरिएशन दिख सकता है. तो अब यहां पे ये जो डार्क दिख रहा है हाईलाइटेड पोर्शन, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस. ठीक है, रोजमर्रा में एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये सारी डिटेल्स कौन कौन सी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड और भी एक आध दो फैक्टर्स, ये क्या बताते हैं? उस दिन का, उस जगह का वेदर. ठीक है, द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. ये जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. एलिमेंट मतलब क्या? इन्हीं से मिलकर अल्टीमेटली तुम्हारी वेदर रिपोर्ट बनती है. द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. That is why we often say today's weather is too humid or the weather was warm last week. इतनी बात I hope सबके समझ में आ रही है. Now we'll get to the questions.